उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से बड़ी खबर। दरोगा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। दरोगा की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सुसाइड नोट बरामद। माइग्रेन नामक बीमारी से पीड़ित था दरोगा। मृतक दरोगा अरुण यादव थाने में तैनात। दरोगा के आत्महत्या करने से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। जी हां, बाराबंकी जिले में थाना कोठी तैनात दरोगा अरुण कुमार यादव ने दरोगा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। दरोगा की मौके पर हुई मौत। जानकारी के अनुसार थाना कोठी पर नियुक्त प्रशिक्षु उप निरीक्षक श्री विशेष कुमार कुरील द्वारा सूचना दी गई कि प्रशिक्षु उप निरीक्षक श्री अरुण कुमार यादव पुत्र सुरेंद्र सिंह यादव निवासी 1621 लौकुशपुरम थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर जो कि जिस सरकारी कमरे में मेरे साथ रहते थे उस कमरे का दरवाज़ा बहुत समय से बंद है। मेरे द्वारा आवाज़ देने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोठी व अन्य पुलिसकर्मी द्वारा बलपूर्वक दरवाज़ा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया गया तो उप निरीक्षक उपरोक्त मृत अवस्था में मिले जिनकी दाहिनी कनपट्टी पर गोली लगना पाया गया। मौके पर एक सुसाइड नोट मिला जिसमें खुद को माइग्रेन की पीड़ा से ग्रसित होने के कारण आत्महत्या का करना पाया गया। प्राथमिक स्तर पर उप निरीक्षक उपरोक्त द्वारा स्वयं गोली मारकर आत्महत्या किया जाना पाया गया। प्रशिक्षु उप निरीक्षक श्री विशेष कुमार कुरील और मृतक दोनों आसपास के रहने वाले थे तथा एक ही कमरे में साथ साथ रहते थे। दोनों ने सुबह एक साथ भोजन किया जिसके बाद विशेष कुमार कुरील सरकारी कार्य से क्षेत्र में चले गए थे। वापस आने पर कमरा बंद पाए जाने पर तथा काफ़ी देर खुलवाने पर भी नहीं खुलने में थाने में इसकी सूचना दी गई। मृतक के परिजनों को सूचित किया जा चुका है। उनके द्वारा तथा उप निरीक्षक कुरील द्वारा भी यह बताया गया कि मृतक माइग्रेन की समस्या से ग्रसित था। मृतक के परिजन आ रहे हैं। सभी पहलुओं की जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसपी दिनेश कुमार सिंह सहित जिले के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र में कानपुर जनपद के रहने वाले दरोगा अरुण यादव पूरे मामले की जानकारी दी और अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार नारायण की बाइट। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज बाराबंकी संवाददाता अनिल कुमार की रिपोर्ट। थाना कोठी में आज एक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उप निरीक्षक अरुण कुमार ने जिस कमरे में रहते थे उसमें अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर प्रथम दृष्टया आत्महत्या कर लिया है। घटना की जानकारी करने के बारे में और मौके का निरीक्षण करने पर पाया गया कि जिस कमरे में अरुण कुमार अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर रहते थे उसी में विशेष कुमार पुरी भी रहते थे, वो भी अंडर ट्रेनिंग है। दोनों कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर नगर के। दोनों एक साथ ट्रेनिंग किए हैं, साथ साथ यहाँ भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 11 बजे दोनों साथ साथ खाना खाए और लोग भी इसके साथ खाना खाए। खाना खाने के पश्चात विशेष कुमार कुरील यहाँ पर काम करने लगे और एक प्रार्थना पत्र की जांच लेकर इसकी जांच अख्या तैयार करके अरुण कुमार ने थाना कार्यालय में दाखिल किया। इसके पश्चात अंडर ट्रेनिंग प्रशिक्षणाधीन सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार अपने कमरे में चले गए। उस कमरे में जब शाम को लगभग 5 बजे विशेष कुमार कुरील जो साथी रहते थे राजकीय कार्यों से खाली होकर जब अपने कमरे की तरफ गए तो वहां देखा तो अंदर से कमरा बंद था। क्योंकि काफी देर तक वो दिखाई नहीं दिए तो तुरंत आके उन्होंने थाना प्रभारी को अन्य पुलिसकर्मियों को अवगत कराया। थाना प्रभारी वहां पर जब जाकर देखे वहां पर पाया गया कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर दरवाजे को वीडियोग्राफी कराते हुए उसको बलपूर्वक खोला गया और देखा गया कि उनको फायर आर्म इंजरी है सिर में और नीचे औंधे मुंह गिरे हुए हैं। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने माइग्रेन से उसके दर्द से परेशान होकर सुसाइड करने की बात उन्होंने कही है। इस सुसाइड नोट का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही फिल्म को बुला लिया गया, वहां से सारे साक्ष्य संकलन किए गए। इसमें परिवारजन से भी बात किया गया, उनको अवगत कराया गया। वहां से भी पता चला कि माइग्रेन की उनको समस्या फिलहाल थी
पूरे प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।